नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतु बिष्ट। 70 मिनट, वो 70 मिनट जो सुषमा स्वराज की जिंदगी के लिए काटे नहीं कट रहे थे, जिनको पार पाना न सिर्फ सुषमा स्वराज के लिए मुश्किल हो रहा था बल्कि उन डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल हो रहा था जो उनका उस दौरान इलाज कर रहे थे। सत्तर मिनट जो मंगलवार को सुषमा स्वराज के लिए काफी तकलीफ दे रहे। कल दिन रोजमर्रा की तरह ही था, लेकिन रात करीब 9 बजे उन्हें बेचैनी होने लगी, जिसके बाद परिवार वालों ने उन्हें एम्स में भर्ती कराया। डॉक्टरों की पूरी टीम इस दौरान लगी रही, लेकिन अंत में उन्हें बचाया ना जा सका। आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं सुषमा स्वराज ने कैसे 70 मिनट जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी। करीब 9 बजे उन्हें बेचैनी होने लगी। 9:26 पर उन्हें एम्स में लाया गया। 12 डॉक्टरों की टीम पहले से ही अलर्ट थी। एम्बुलेंस से बाहर लाकर सीधे इमरजेंसी में उन्हें ले जाया गया, तो डॉक्टर CPR में पहले से ही मौजूद थे। चंद सेकंड में ही डॉक्टर समझ गए कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है। डॉक्टरों ने सबसे पहले सुषमा को CPR दिया। हालत नहीं सुधरी तो 3 उन्हें शॉक भी दिया गया, लेकिन शरीर ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। डॉक्टरों ने तीसरे विकल्प यानी हार्ट को पंप करने का फैसला लिया। पूरी टीम पंप देने में जुट गई। पंप से भी काम नहीं चला तो वेंटिलेटर पर रखा गया। अब काफी देर हो चुकी थी, धड़कनों ने पूरी तरह से उनका साथ छोड़ दिया और 10:50 पर सुषमा स्वराज का निधन हो गया। सुषमा ने 70 मिनट मौत से जंग लड़ी, लेकिन वो इससे जीत ना सकी और सभी को अलविदा कह गई। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी।